Hello students, today we will going to explain the next lecture of sound. In this lecture we will discuss about range of hearing. Range of hearing, that means according to the range of frequencies. According to the range of frequencies, sounds are classified in different way. According to range of frequencies, sounds are of three types. Sounds are of three types. First of all, infrasonic sound. Second is audible range of sound. And third is ultrasonic sound. Infrasonic sounds. Sounds of frequencies less than 20 hertz. से पहले क्लास में जब फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे तो ये स्पष्ट किए थे कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. क्या होता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज, जिसे हम एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इंफ्रासोनिक साउंड्स, द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज less than 20 hertz are known as infrasonic sounds, and the sounds of frequencies between 20 hertz and 20,000 hertz, between 20 hertz and 20,000 hertz are known as audible sounds. Audible sounds, that means the sounds which can be heard by human clearly. The sounds which can be heard by human clearly are known as audible sounds. And the range of frequency of audible sound is between 20 hertz and 20,000 hertz or 20 kilo hertz. The range of frequencies of audible sound between 20 hertz and 20,000 hertz. तो 20 hertz से 20,000 hertz के बीच के sound को ही ह्यूमन स्पष्ट साफ साफ सुन सकता है. एंड दिस साउंड, द साउंड ऑफ दिस रेंज, द साउंड ऑफ दिस रेंज इज नोन एज ऑडिबल साउंड. नाउ लुक हियर, रेंज ऑफ हियरिंग, द ह्यूमन ईयर कैन हियर ए साउंड इन ए फ्रीक्वेंसीज. द ह्यूमन ईयर कैन हियर ए साउंड इन ए फ्रीक्वेंसी range of about 20 hertz to 20,000 hertz, and this range is known as audible range. And the sound of the range of this frequency is known as audible sound. Audible range, the frequency range between 20 hertz and 20,000 hertz is known as audible range for a normal human ear. Now, infrasonic sound or infrasound. जो भी कहिए infrasonic sound या infrasound, in simple way we can say infrasound. The sounds of frequencies lower than 20 hertz. The sounds of frequencies lower than 20 hertz are known as इंफ्रासोनिक साउंड. अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको सिंपली हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं. द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलोहर्ट्ज़, दैट
फ्रीक्वेंसी के साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। नाउ एनिमल्स लाइक व्हेल्स, एनिमल्स लाइक व्हेल्स, डायनासोरस एंड एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड हियरिंग इंफ्रासोनिक। Animals like whales, rhinoceros, and elephants are capable of producing and hearing infrasonic. तो whales, rhinoceros, elephants ये ऐसे animals हैं जो infrasonic sound produce भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, infrasonic उत्पन्न भी कर सकते हैं और infrasonic को सुन भी सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इनका जो सेंसिटिविटी पावर है, सेंसिटिविटी एबिलिटी ऑफ ईयर है, वो ह्यूमन से अधिक होते हैं। इट इज सेड दैट प्रायर टू एन अर्थक्वेक एनिमल्स एंड बर्ड्स स्टार्ट बिहेविंग स्ट्रेंजली। ऐसा कहा जाता है कि अर्थक्वेक के आने से पहले, भूकंप आने से पहले ही एनिमल्स और बर्ड्स अजीब बिहेव करने लगते हैं, स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। दैट मीन्स दे फील द कमिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक बिकॉज द साउंड इज जेनरेटेड। द साउंड जेनरेटेड इन द केस ऑफ अर्थक्वेक इज इंफ्रासोनिक। अर्थक्वेक भूकंप आने पर जो साउंड उत्पन्न होता है वो इंफ्रासोनिक होता है, और इन एनिमल्स और बर्ड्स की एबिलिटी इंफ्रासोनिक को सुनने की होती है, वे इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। एनिमल्स और बर्ड्स इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, and that is why they behave strangely in the case of prior to earthquake ke pehle hi unhe ajeeb behavior karne lagte hain। It is because they can hear infrasonic sound। Animals such as dogs, boats, dolphins and rats produce and hear ultrasonic sound। Dogs, bats, dolphin and rats ये जो हैं अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं और उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं और सुनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं और सुन भी सकते हैं। बट ह्यूमन कांट हियर अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान देंगे। स्मॉल चिल्ड्रेन कैन ऑल्सो हियर साउंड इन द रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक। छोटे बच्चे भी अल्ट्रासोनिक रेंज के फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, बिकॉज द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स more developed of children compared to the adult। With the age the sensitivity of ear decrease। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ईयर की जो सेंसिटिविटी होती है वो घटती जाती है, and that is why we can't hear ultrasound। So small children can also hear sounds in the range of ultrasonic। Now, common laboratory equipments like drilling fork are incapable of producing ultrasonic sounds। Tuning fork जो जनरली हम लोग साउंड चैप्टर में इसका यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, दिस इज कैपेबल टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसमें हम लोग आज बात ये और यहाँ अभी तक देखे, एक बार फिर से रिवाइज करा दें। रेंज ऑफ हियरिंग में क्या क्या देखें, व्हाट इज द रेंज ऑफ हियरिंग, व्हाट इज ऑडिबल रेंज।
सोनिक साउंड। हियरिंग रेंज या रेंज ऑफ हियरिंग किसे कहते हैं, तो द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज रेंज ऑफ हियरिंग एंड द साउंड्स इज नोन एज ऑडिबल साउंड। इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक मोर देन 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड भी जनरल नॉर्मल साउंड की तरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण और इको के कारण अल्ट्रासाउंड का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं। स्टेथोस्कोप में भी यूज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इंफ्रासोनिक होता है, हमारे हार्ट बीट को हम जनरली नहीं सुन सकते, लेकिन स्टेथोस्कोप के द्वारा उसे क्लियरली सुना जा सकता है और होने वाले चेंजेस को नोट किया जा सकता है, बाय विच डॉक्टर कैन डिटेक्ट द डिफेक्ट इन आवर बॉडी। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, बाय हियरिंग द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट डॉक्टर कैन डिटेक्ट। नेक्स्ट हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं टू डिटेक्ट द ग्रोथ ऑफ फीटस, ग्रोथ ऑफ फीटस इन यूटरस। यूटरस में बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, कितना ग्रोथ है, उसका पता भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड का यूज मशीनरी पार्ट्स को ठीक करने में, डैमेज को बनाने में, उसे क्लीन करने में। सोनार एक डिवाइस होता है, सोनार अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज अल्ट्रासाउंड को उत्पन्न करने में किया जाता है। जनरली इसका यूज मरीन्स के द्वारा नहीं, जो नौसेना होते हैं, नेवी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, या तो एनिमीज के शिप का पता लगाने के लिए कि वो कितने डिस्टेंस पर है, या जो सी बेड है उसका पता लगाने के लिए, और भी मिनरल्स वगैरह का डिटेक्शन के लिए कितनी गहराई पर है, या लेवल ऑफ बॉटम का पता लगाने के लिए। कुल मिलाकर अल्ट्रासाउंड का यूज हम जनरली डिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन आवर डेली लाइफ, what is the applications of ultrasound and how can we hear, what is the function of human ear, human ear ke function kya hai, kaise hum sunte hain, kya kya parts hote hain aur kaise wo function karte hain, ye next lecture mein hum log discuss karenge। So please lecture ko dhyan se sune, jahan zarurat lage note kare, pause karke note kare, likha hua bhi hai, और कोशिश करेंगे जितना भी हो कुछ छूट भी रहा है तो उसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, जहाँ तक होगा आपको विशेष देने का प्रयास किया जाएगा। फिर भी किसी तरह की आपके पास डाउट हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मेंशन करें, और नेक्स्ट वीडियो में जब इससे रिलेटेड वीडियो डाला जाएगा तो उसमें आपके प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद।